नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राचली आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। दोस्तों लीवर और किडनी के लिए हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ है और आप लोग ने बहुत ज़्यादा जो लीवर डिटॉक्स का वीडियो था उसको बहुत ज़्यादा सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। तो उसी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं लंग्स यानी कि फेफड़े के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या उसको शुद्ध या साफ करने के लिए कुछ ऐसे चीजें बताऊं जिससे वो उनको क्लीन कर सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। आप देखते हैं दोस्तों कि कैसे आप समझें कि आपका जो लंग्स है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपको दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी जुकाम खांसी पकड़ती है, आपको आप थोड़ा सा पोल्यूशन में गए, आपको नाक से पानी आना, छींके आना शुरू हो जाती हैं, आँखों से पानी आना, आँखों से खुजली होना, साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत लगने लगती है अगर आप थोड़े से धुएं वाले एरिया में जा रहे हैं, अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं दोस्तों सीढ़ी चढ़ने में आपको सांस फूलने लग रही है, थोड़ा सा चल भी रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग रही, इन तमाम परिस्थितियों में आपका लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ये आप समझना शुरू कर दें। तो इन सारी परिस्थितियों को ठीक रखने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ तीन ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट भी आपको घर पे आराम से मिल जाएंगे और उसको करना बेहद ही आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों पॉइंट्स में से। नंबर एक है एक्सरसाइज, नंबर दो स्टीम इनहेलेशन है, मतलब आपको भाप लेना है उसमें कुछ डाल के, मैं अभी आगे बताऊंगी, और नंबर तीन है एक ड्रिंक जो एक पेय पदार्थ है जिसको आपको घर में बनाना है और उसके सारे इंग्रेडिएंट आपको आराम से घर में अवेलेबल रहेंगे और आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है जो वो है एक्सरसाइज। आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको जो एक्सरसाइज करनी है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग दोस्तों आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप घर पे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास 5 मिनट का समय है, आप आराम से कर सकते हैं। पहले शुरुआत में आप 5 मिनट करें, फिर वापस से आप धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। आपको डीप ब्रीदिंग करनी कैसे है, आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाएं और आपको पूरे कैपेसिटी तक अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है। दोस्तों क्या होता है, हम दिन भर में जब सांस लेते हैं हमारा पूरा फेफड़ा फूलता ही नहीं है, पूरा एक्सपेंड ही नहीं होता, क्योंकि हम शैलो ब्रीथ करते हैं। शैलो ब्रीथ का मतलब है, आप देखिए नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं, या आप लोग भी जब सांस लेते हैं तो हल्की सी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो पूरा जो आपका फेफड़ा है वो एक्सपेंड नहीं होता। तो जो नीचे के लंग्स में प्रॉपरली एयर नहीं जाती है तो उसकी जो एक्सपेंड करने वाली फैलने वाली कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपका पूरा लंग्स प्रॉपरली फैलेगा तो उसमें अच्छे से ऑक्सीजन भरेगी, अच्छे से हवा भरेगी, तो आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। करना कैसे, आपको स्ट्रेट बैठिए, पूरा अंदर तक आपको जितनी हद तक आप स्पेंड कर सकते हैं आप उतनी देर तक सांस को पूरा अंदर डीप इनहेल करिए और 5 सेकेंड तक अंदर रोक के रखें, रोकिए और उसके बाद, और एक बार में आपको नहीं छोड़नी है सांस, धीरे धीरे करके रोक रोक के, आपने थोड़ी सी छोड़ी फिर रोकिए, फिर थोड़ी सी छोड़ी फिर रोकिए, ऐसे करके पूरी सांस को आप बाहर निकालिए। ये एक हो गई डीप इनहेलेशन या डीप ब्रीदिंग प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस है दोस्तों जो है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन मतलब भाप लेना, भाप आपको लेना सिंपल, आप जो है पानी गर्म करके उससे भी ले सकते हैं, आपके पास अगर स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टीमर से भी ले सकते हैं। पानी में आपको 5 से 6 बूंद यूकलिप्टस ऑयल की डालनी है दोस्तों। यूकलिप्टस ऑयल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला होता है, वो आपके अंदर चेस्ट को क्लियर करने के लिए, रेस्पिरेटरी पैसेज को साफ रखने में, तमाम चीज़ों में यूकलिप्टस का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो आपने देखा यूकलिप्टस के बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके ऑयल को आपको यूज़ करना है। बहुत आसानी से दोस्तों आपको मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी जो लाइक एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं उसके, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिलते हैं, आप चेक करें और आराम से हार्डली 100 से 150 रुपये में आपको पूरी एक बॉटल मिल जाएगी जो कम से कम 1-2 महीने आपके आराम से चलनी है। तो आपको स्टीम कैसे लेना है,
जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो आपको रोज करनी है। स्टीम अगर शुरुआत में आपको ज्यादा परेशानी है तो आप रोज कर ले, नहीं ज्यादा परेशानी है सिर्फ आपको क्लीनिंग रखने के लिए करना है तो आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने भाप के लिए जो बर्तन लिया उसमें 5 से 6 बूंद आप यूकेलिप्टस ड्रॉप डाल दीजिए और कवर करके आप उस स्टीम को इनहेल करिए। आप उसको पूरा इनहेल करिए कि आपके पूरे लंग्स में वो फैले, वो आपके अंदर जितने बैक्टीरियल इन्वेजन हो रहा है, जितने वायरल इन्वेजन है उसको भी सही करेगा, आपके लंग्स को क्लियर करने में आपको मदद करेगा। तीसरा जो ड्रिंक है दोस्तों जो कि बहुत ही जरूरी है, पहली बात तो मैं बता दूं दोस्तों उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर होगा लेकिन स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें और आप उसको पीने की कोशिश करें। तो उसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले चाहिए 1 लीटर पानी, उसमें आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 1 स्पून आपको लाइक टर्मरिक डालनी है, चौथी चीज है दोस्तों उसमें प्याज डालनी, 1 प्याज डालनी है आपको, और पांचवी चीज है शहद। ये 5 चीजें आपको लेनी है। तो कैसे बनाना है आपको, एक बर्तन में आपने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने जो अदरक मैंने बताई है 1 इंच की उसको कूट के डाल दें और 1 चम्मच आप उसमें हल्दी का पाउडर डाल दें और फिर उसमें 1 प्याज अच्छे से छील के साफ करके उसमें स्लाइसेस में काट के आप उसमें डाल के उसको चढ़ा दें बर्तन को, और उस पानी को आप तब तक बॉईल करेंगे जब तक वो 1 लीटर पानी जल के लगभग 1 गिलास यानी कि 250 ml तक नहीं हो जाता। इसको आप अच्छे से बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसको आप ठंडा करके छान लें, छानने के बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसको अच्छे से मिक्स करके पी सकते हैं। इस जूस को आप महीने में एक बार पी लें, इतना सफिशिएंट है। लेकिन जो दोनों चीजें हैं, अगर जो एक्सरसाइज तो आपको रोज करनी है और जो स्टीम लेने वाला है वो आपको मिनिमम तो हफ्ते में 1 से 2 बार करें, नहीं तो अगर परेशानी ज्यादा है तो रोज कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इन चीजों को करें और कुछ दिन में आपको खुद से फील होने लगेगा दोस्तों कि जो आपके शरीर का डिफेंस था, आपका जो बहुत जल्दी जल्दी जुकाम बुखार होता था, बहुत जल्दी सर्दी लगने लगती थी, आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, वो परेशानी धीरे 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 करके खत्म होती नजर आएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।